अस्सलाम वालेकुम। हैं आप सोच रहे होंगे कि व्लॉग तो ये इरशाद खान का है, तो ये नमूना इसमें बीच में क्या कर रहा है। तो मैं आज आया हुआ था शॉप पे इसकी खैरियत दरियाफ्त करने और एक और काम से, बड़े अहम काम से आया हुआ था। तो मैंने सोचा कि भाई को भी मिलते चलूँ। ये जो मेरा बड़े पेट और मेरा मतलब है बड़ी उम्र का मेरा भाई जो है, इसका हाल हाल भी पता करते चले। तो आया था, साथ में एक काम भी था, और सबसे अहम काम तो शॉप से रिलेटेड था। उधर काफ़ी लोग आ जा रहे हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो साइड पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस काम के सिलसिले में मैं आया था। तो काम तो वैसे और भी बहुत सारे थे, जिसमें से अहम काम तो कुछ शॉप से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन था, और इसके अलावा मैं असल में जा रहा था अपनी वाइफ को एक सरप्राइज़ देने, क्योंकि ये एक गाड़ी थी जो कि यहाँ पे बिक रही थी क्रिखानस्ता में, तो वो गाड़ी परचेज़ करने में आया था। शहर का नाम है क्रिखानस्ता, स्वीडिश में कहते हैं, वैसे अगर इंग्लिश में कहेंगे तो क्रिश्चियनस्ताद होगा। तो यहीं पे शॉप भी है, तो गाड़ी जो है वो कुछ ऐसी है जो कि मैंने लेनी थी, ले तो ली है। ये अभी तक एक सरप्राइज़ है, पहले आप लोगों को पता लग रहा है, इसके बाद मेरी वाइफ को पता लगेगा, और पता भी तब लगेगा जब उसके सामने जाकर खड़ी होगी। तो अभी मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव की है, गाड़ी अच्छी है, बल्कि उस पर मोहर सब्त करने के लिए मैंने इरशाद को कहा कि वो इसको ड्राइव करे। तो ड्राइव करने के बाद काफ़ी तारीफ़ की है उसने इस गाड़ी की, तो उम्मीद करते हैं कि वाइफ को भी पसंद आएगी। ऊपर से कलर भी काला है, और काले कलर की तो क्या ही बात है। बाकी अभी मैं फिर इसको हैंड ओवर कर देता हूँ इरशाद को, और देखते हैं वो इसके बारे में क्या कहता है। अभी उसने इसको ड्राइव किया है, चला के देखा है, हालांकि गाड़ी नई नहीं है, गाड़ी तकरीबन है कोई 9-10 साल पुरानी है, लेकिन क्योंकि यहाँ स्वीडन में सड़कें बहुत अच्छी होती हैं, मेंटेनेंस बहुत अच्छी रहती है गाड़ियों की वक्तन वक्तन, और इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट्स के लाज भी ऐसे हैं कि एक अच्छी गाड़ी सड़क के ऊपर आ सकती है, तो उसमें गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में है। बाकी अब पूछ चलते हैं उसकी तरफ। अच्छा जी, अभी कार्टन अभी फेंकते हैं, और कार्टन एक जगह है, बड़ी जगह है, इधर गवर्नमेंट ने बनाई है, उधर हम अभी गाड़ी, ये हमारी गाड़ी है, तो ये अभी करते हैं इसको कार्टन। ये थोड़ा सा है अखबार इसमें, और प्लास्टिक, और ये मेल पैक, तो इसको लोड करवाते हैं। ये चीज़, तो एक ड्राइव तो मैंने कर दिया है, अभी दूसरा ड्राइव भी करते हैं, तो देखते हैं। ये हम खोलते हैं तो ये सीट्स, अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। ये सामने ये हो गया स्टार्ट बटन, ये हो गया स्टार्ट, और ये आ गया स्क्रीन, और इस स्क्रीन में जितने भी पर किलोमीटर आप जब गाड़ी चलाते हो, तो इस स्पीड मीटर ये है, और स्पीड मीटर एक ये भी है, और ये हो गया इसका मैप, मैप जहाँ से भी आप स्टार्ट लेते हो या जहाँ से आपने जाना हो, यहाँ मैप पर डाल के आप कर सकते हो। और ये हो गई गाड़ी, फंक्शंस इसमें बहुत ज़्यादा है, मैंने सिर्फ एक ड्राइव की है, और अभी देखते हैं, मैंने जाना है सिटी, तो इस पर चलते हैं, ड्राइव भी करते हैं, और थोड़ा सा मैंने कुछ सामान ख़रीदना है, और तो वो भी करते हैं। ये हो गया ये ऊपर ये वाला भी, और ये सनरूफ, ये भी यहाँ से निकल जाता है, तो ये भी इसके फंक्शंस, ये सनरूफ के, और अच्छा फंक्शंस बहुत ज़्यादा है इसके, बहुत अच्छी ड्राइव। मैंने ड्राइव की थी पहले आज,
तो आज मैंने दोबारा मैं अभी सिटी आया हूँ, तो इस पे मैं आया हूँ, दूसरी गाड़ी पे नहीं। तो गाड़ी बहुत खूबसूरत और बहुत सॉफ्ट गाड़ी है, कोई मसला इसमें नहीं है, बच्चा भी चला सकता है, बहुत खूबसूरत गाड़ी है। चलते हैं, मैं इधर आया हूँ। इधर मैंने मोबाइल में अपना जो स्क्रीन प्रोटेक्टर होता है वो मैंने लगाना है। ये हो गया ज़ू, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स और कुत्ते बिल्लियाँ इधर से मिल जाती हैं, और उसके खाने की चीज़ें जितनी भी हैं वो इधर से मिल जाती हैं। तो मैंने इधर जाना है, अपने मोबाइल स्क्रीन प्रोटेक्टर वो मैंने लगाना है। अभी मैं अंदर गया हूँ, अंदर 5-10 मिनट रहते थे। मैंने कहा कि मैंने स्क्रीन प्रोटेक्टर लेना है और वो लगाना है, तो वो कह रहे अभी 10 मिनट रहते हैं, हम नहीं लगा सकते, तो हमने 2 बजे बंद कर देना है। तो अजीब लोग हैं, कस्टमर आया है और कस्टमर को ये सर्विस नहीं देते। अच्छा जी, अभी मैं इधर आ गया हूँ, आउटलेट स्टेडियम आउटलेट, अंदर जाते हैं अपने लिए कुछ शूज़ या कपड़े लेते हैं। या आप जब एंट्री करते हो तो ये एंट्री मैन विंटर जैकेट्स या कोई कपड़े या शूज़ ले लेने हैं। अच्छा जी, आज तक के लिए इतना ही। अपने दुआओं में याद रखना, अगर आप लोगों की ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।